राम राम मेरे सभी भाइयों, भाई कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आपका भाई बढ़िया नहीं है भाई? मैं दिल्ली आया हुआ था, थोड़े बहुत काम थे गाड़ी के, वो सब तो वीडियोस तो देखने को मिल ही जाएंगे आपको। उन सब के बीच में हुआ कि भाई अपने जो रेट्स है उसका चालान कट गया। चालान क्या कुछ कटा है वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा भाई। तो वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको तभी समझ आ जाएगा। तो भाई बिना ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं अभी उठा और उठते ही मैंने देखा भाई, ये देखो दिल्ली पुलिस ने अपने को भात भेजा है। और देख सकते हो कि इम्प्रॉपरली पार्क डेट यहाँ पे शंकर रोड, वैसे शंकर नहीं शंकर रोड है। खैर अभी मैं आपको पूरा केस बताता हूँ भाई, क्या हुआ था और गाड़ी का चालान चुलान कैसे कटा है। मोस्टली जो मेरी गाड़ी है वो ऐसे ही खड़ी होती है, बिकॉज आसपास जो पार्किंग की कोई जगह नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि देखो आप देख सकते हो व्हाइट लाइन के बाहर मेरी गाड़ी है, बट हाँ ऐसे ही जो यहाँ पे दिल्ली में मोस्टली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो भाई अपनी गाड़ी भी खड़ी थी ऐसे ही, और उसके बाद जो है इसका चालान भर दिया पुलिस वालों ने। चालान मात्र 500 रुपये का भरा, वो सब कुछ बड़ा मैटर नहीं करता। 500 का क्या, लोग तो 1-1 लाख रुपए का भी भर रहे हैं, तो मेरा तो छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट बस इतनी सी दिक्कत ये है ना भाई कि देखो रेजिडेंस वाले जो भी यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे आपको घर दिख रहा होगा, वो पीछे घर दिख रहे होंगे, तो उनकी पार्किंग में अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो तो वो लोग इशू क्रिएट कर देते हैं, वो लोग ऊपर से पत्थर भी फेंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो दिल्ली में मैंने सुने हैं कि भाई उनके आगे जो शीशा है उस पर कुछ फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, जिसकी वजह से जो है भाई दिक्कत आ जाती है बहुत सारी। तो कहाँ पे खड़ी करिए, पार्किंग में अगर आप जाओ तो नियरली मोस्ट सबसे जो पास पार्किंग है भाई वो पड़ती है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। तो पार्किंग में पहले आप गाड़ी खड़ी करके आओ, उसके बाद फिर आप ऑटो करके आओ, तो कोरोना वायरस का डर कि भाई ऑटो में नहीं बैठ पाएंगे सेफली, ये सब तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं। खैर भाई अपनी गाड़ी का चालान कट चुका है, अभी मैं आपको भर के दिखाता हूँ लाइव। तो लाइव एक बार पे भी कर देते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लिख दो आपका गूगल पे जाके, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है ना ट्रैफिक सेंटिनल, इसको एक बार आप जो है ओपन करें। और उसके बाद आपका यहाँ पे व्हीकल नंबर आएगा भाई, तो अपनी गाड़ी का जो व्हीकल नंबर है वो डाल देता हूँ मैं, DL8CR8415। ये आ गया। उसके बाद सर्च डिटेल करो, तो भाई आपका जो फोन है ना उस पर आपका आएगा एक OTP, ठीक है। तो OTP आ जाता है एक बार, ये आ गया OTP अपने पास। तो मैं जो है OTP डाल देता हूँ, 1 टाइम वैलिड होता है तो कोई खास बात नहीं है भाई इसकी, 1933395, ठीक है। ये अपना OTP था भाई। तो जैसे ही सबमिट करूंगा भाई, इसके बाद जितने भी मेरे चालान होंगे सारे शो कर देंगे। तो ये देख सकते हो भाई, नोटिस नंबर ये है, व्हीकल नंबर अपना आ गया, ऑफेंस रेट दिखा रहा है ये, ऑफेंस रेट ये, और एक मिनट क्लोज कर दूं, ऑफेंस डिटेल होगी, इम्प्रॉपर पार्किंग। इमेज दिखाऊं भाई अपनी गाड़ी की, तो ये भाई ने बतेरी इमेज, मतलब बकायदा इमेज खींच के, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो व्हाइट लाइन है ना, इस व्हाइट लाइन के इस तरफ अपनी गाड़ी है, तो इस तरफ जो है इसका चालान काट दिया गया है। पर चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब जो एक बार क्लोज कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे अपने को पहले ग्रीवेंस, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो सही जगह खड़ी थी एंड उसके बाद भी चलाना है तो कर सकते हैं, वो नहीं करना अपने को, पेमेंट पे जाके पे नाउ करना है। तो आर यू श्योर की पूछ रहे हो भाई, नहीं लेना क्या तुम्हें? तो उसके बाद जो है डायरेक्ट अब मैं ये सारी डिटेल विटेल भर के जो है यहाँ से पेमेंट गेट पे अपना SBI मल्टी बैंकिंग से कर देते हैं। तो 500 रुपये का अमाउंट है, देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो 500 रुपये का जो अमाउंट है भरना है अपने को, तो मैं ये सब कुछ भर देता हूँ। और ठीक है, चलान तो जो है हमने भर दिया है अपनी गाड़ी का। एंड ये जो वीडियो है आपको थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी, बिकॉज जूम इन करके जो मैं बना रहा हूँ, तो चलान फुल्ली पेड है अपनी गाड़ी का। बस ये बताना चाहता हूँ आपसे कि भाई आप जो है ऐसी जगहों पे मत लगाएं, अगर दिल्ली आते हैं गाड़ी लेके, या फिर मोस्टली पार्किंग ही ढूंढिए। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मेरे घर के आसपास पार्किंग होती है तो मैं 100% उसी में ट्राई करता, बिकॉज दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है तो भाई इसमें अलॉय व्हील चोरी होने का डर है, बहुत सारी चीज़ होने का डर है, रिस्क बहुत सारे मैटर करते हैं। बट खैर जो भी है, आज की वीडियो में इतना ही था भाई लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी और न्यूज़ तब तक के लिए, बाय, धन्यवाद। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा अपनी गाड़ी जो थी इम्प्रॉपरली पार्क थी। हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती थी भाई, गलती की वजह से ही चालान कटा है। तो पर एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, जिन लोगों का घर नहीं है दिल्ली में या फिर जिनको पार्किंग नहीं मिलती, तो उन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस को ही कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई हाँ पार्किंग यहाँ पे लगा पाओ। बिकॉज जो यहाँ के लोकल लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, मतलब जो रहते हैं यहाँ पे, वो अलाउ नहीं करते हैं कि उनकी पार्किंग में हम लोग अपनी गाड़ी को लगा लें। अगर लगा लें तो भाई पता नहीं गाड़ी तोड़ देते क्या क्या करते हैं। तो उन सब के बीच में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई चलो हम तो चालान भर देंगे, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं भर पाते चालान। ये तो खैर 500 रुपये का सिर्फ चालान आया है, और अगर थोड़ा सा बड़ा भी चालान आ जाए तो सोच सकते हो।
तो इतना से ही बोलना है भाई, जिनके घर नहीं है दिल्ली में, जो मतलब सिर्फ काम के लिए आते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ पे चालान कटने लगे तो। और जो गाड़ी थी वो काफी साइड पार्क थी, ऐसा भी नहीं था कि भाई हाँ रोड पे है या बहुत ज्यादा, उसके आगे पीछे एक दो गाड़ियां भी थी, पता नहीं उनका चालान कटा या नहीं कटा, खैर मेरे को इतना सब नहीं पता। आज के वीडियो में इतना ही था भाई, उम्मीद करता हूँ क्या ही बोलूंगा, पसंद आई पसंद आई हो तो भाई बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है गलती ना करें जो मैंने करी है, छोटी सी एक वीडियो बनानी थी। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।